हेलो एवरीवन, आज हम इंजीनियरिंग M1 में टेलर्स थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है टेलर्स थ्योरम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको दिए हुए प्रॉब्लम में चेक करना है पावर, और आपको पावर दी हुई है प्रॉब्लम में पावर ऑफ एक्स। और जब भी आपको पावर ऑफ एक्स पूछा गया टेलर्स थ्योरम में, तब आपको देखे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में अगर पावर ऑफ एक्स पूछा गया तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम में ब्रैकेट चेक करने है। ब्रैकेट राइट, यहाँ पे आपने ब्रैकेट चेक किया। सो ब्रैकेट में क्या है, x+1 राइट, सेम टर्म है x+1। तो आपको यहाँ पे पुट करना है h की जगह x+1, और वेयर वेयर आपको h की वैल्यू लिख लेनी। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। तो आपको h की वैल्यू लिखनी +1 राइट। और अब हम टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे बाय टेलर्स थ्योरम राइट, बाय टेलर्स थ्योरम। और ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट पावर ऑफ एक्स के लिए, पावर ऑफ एक्स के लिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे। सो पावर ऑफ एक्स के लिए सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखना है, और उसके बाद आपको स्टूडेंट लिखना है एफ ऑफ, क्या लिखना है आपको एफ ऑफ, हमेशा याद रखना है आपको एफ ऑफ एच लिखना है, एफ ऑफ एच प्लस। अब देखिए हाइस्ट पावर कितना है स्टूडेंट, हाइस्ट पावर 4, हाइस्ट पावर कितना है आपका 4 है। तो आपको पावर ऑफ एक्स, एक्स की टर्म आपको कितनी बार लिखनी है, 4 बार लिखनी, 4 बार। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आपको लिखना है x और इसे पावर देना है आपको 1। सो हम 1 पावर देते हैं क्या, हमेशा नहीं, तो हम x ही लिखेंगे अपॉन 1 फैक्टोरियल, और आपको यहाँ पे लिखना है एफ डैश ऑफ h ओके। अब सेकंड टाइम, अब हमने x लिया, यहाँ पे हम लेंगे x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लेना है 2 एफ डबल डैश ऑफ एच। अब हम तीसरी बार लिखेंगे x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखना है आपको एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच। और अब हम चौथी बार लिखेंगे x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ 4 राइट ना ऑफ एच, और आगे हम नहीं लिखेंगे, इसे करके छोड़ देंगे राइट। सो जब भी आपको हाईएस्ट पावर आपने चेक की 4 है, तो आपको 4 तक ही लिखना है x ओके, x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ ऑफ 4 ऑफ एच राइट स्टूडेंट। तो ऐसे आप फॉर्मूला लिख सकते हो पावर ऑफ एक्स के लिए टेलर्स थ्योरम में राइट स्टूडेंट। तो ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, कैसे फॉर्मूला आपको लर्न करना है, हम देंगे इक्वेशन 1। अब हम देखें स्टूडेंट, जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है पूरा राइट ना, हम कैसे लिखेंगे देखें। सबसे पहले हम इसे एफ ऑफ एच करके लिखेंगे, एफ ऑफ एच 7 है, 7 यहाँ पे प्लस। सो x+1 की जगह आपने क्या लिया है, x+1 की जगह एच, तो ये x+1 की जगह आपको लेना है एच प्लस। यहाँ पे क्या है 3, फिर से x+1 की जगह क्या लिया है आपने h, तो यहाँ पे आपको लिखना है h, और पावर कितना है 3, फिर से प्लस यहाँ पे x+1⁴ है, सो x+1 की जगह आपको क्या लेना है, x+1 की जगह आपको लेना है h, और पावर कितना है 4, सो आपको लिखना है यहाँ पे h⁴ राइट। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसका डेरिवेटिव, सो एफ डैश ऑफ h इसका डेरिवेटिव। सो 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो हम 7 का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखेंगे ही नहीं, 0 होता है वो। h का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, h का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 3h³ का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 3h³ का देखिए 3 × 3 कितना 9, सो 9 यहाँ पे h है, और 3 की पावर आपको 1 से कम करने कितना होगा 2। सो ऐसे सिर्फ आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक है डेरिवेटिव की। प्लस यहाँ पे क्या है h⁴, सो पावर 4 आपको आगे लिखना है, पावर 4, उसके बाद h
और फोर पावर आपको एक से कम करनी, कितनी होगी आपको एक से कम की, तो तीन, तो हो जाएगी फोर एच क्यूब, राइट। उसके बाद आपको फिर से डेरिवेटिव लिखना है डबल एच, राइट। सो देखिए यहाँ पे वन का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, तो हम नहीं लिखेंगे। सो नाइन एच स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए, नाइन इंटू टू, नाइन इंटू टू कितना होगा एटीन, यहाँ पे एच एज इट इज। और दो की पावर अगर हमने एक से कम की तो कितना बचेगा पावर पे वन, तो हम वन लिखते हैं क्या पावर पे, नहीं, तो वैसे ही छोड़ देना है। प्लस फोर एच क्यूब का फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री कितना होगा ट्वेल्व, राइट। उसके बाद एच और तीन जो पावर है उससे अगर हमने एक से कम की पावर को, तो तीन की पावर एक से कम की तो कितना होगा टू। ओके, अब हम तीसरी बार डेरिवेटिव लेंगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच। सो 18h का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 18h का डेरिवेटिव हो होगा 18, राइट ना, 18h का डेरिवेटिव होगा 18, ओके। प्लस 12h स्क्वायर का डेरिवेटिव, 12 इंटू टू कितना 12 इंटू टू हो होगा 24, यहाँ पे h और दो की पावर हमने एक से कम की तो कितना बचेगा यहाँ पे वन, मगर हम पावर पे लिखते हैं क्या, नहीं लिखते स्टूडेंट, सो 24h। और अब हम लास्ट डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे क्या है लास्ट डेरिवेटिव कितने ले, चार बार लेना है ना, फोर डैश इसका मतलब फोर टाइम्स डेरिवेटिव, सो इसका मतलब हम यहाँ पे यही तक डेरिवेटिव लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे चेक करना है इक्वेशन वन में, सो एफ फोर डैश ऑफ एच, सो यहाँ पे भी आपको एफ फोर डैश ऑफ एच तक की डेरिवेटिव निकालना है। सो 18 का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, तो हम नहीं लिखेंगे, और 24 एच का डेरिवेटिव होगा 24, राइट। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं, सो एफ ऑफ, अब एच की जगह क्या लेंगे हम वन, सो यहाँ पे भी क्या लेंगे वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, और यहाँ पे भी वन, राइट। सो हम एच की जगह क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, देखिए सो सेवन प्लस एच वन प्लस थ्री एच क्यूब, सो थ्री वन का क्यूब प्लस एच की जगह वन रेस टू फोर, ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपका आंसर आएगा ट्वेल्व, राइट। अब यहाँ पे भी एच की जगह वन, सो वन प्लस नाइन एच की जगह वन का स्क्वायर प्लस फोर एच की जगह वन का क्यूब, सो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपका आंसर आएगा फोर्टीन, यहाँ पे भी एच की जगह वन, सो एटीन एच, सो वन प्लस ट्वेल्व एच की जगह वन का स्क्वायर, सो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपका आंसर आएगा थर्टी, यहाँ पे भी एच की जगह वन, सो 18 प्लस 24 एच की जगह वन, सो ये आएगा आपका आंसर 32, और यहाँ पे एच है ही नहीं, सो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो 24, और आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट पुट ऑल वैल्यूज, ये जो सभी वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इस इक्वेशन में पुट करना है। सो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, सो एफ ऑफ एच कितना है देखिए यहाँ पे, एफ ऑफ एच कितना है ट्वेल्व, एफ ऑफ एच डायरेक्टली वन पुट करके कितना आंसर आया है ट्वेल्व, सो आपको ट्वेल्व लिखना है प्लस एक्स एज इट इज वन फैक्टोरियल एज इट इज, एफ डैश ऑफ एच, एफ डैश ऑफ एच कितना है फोर्टीन, सो यहाँ पे लिखना है आपको फोर्टीन प्लस यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वेयर अपॉन कितना टू फैक्टोरियल, सो एफ डबल डैश ऑफ एच कितना है, एफ डबल डैश ऑफ एच वो है आपके पास थर्टी, सो आपको लिखना है यहाँ पे थर्टी प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच कितना है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच 32, सो यहाँ पे लिखना है आपको 32 प्लस एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, सो एफ फोर डैश ऑफ एच कितना है आपके पास देखिए यहाँ पे 24, 24, सो यहाँ पे डायरेक्टली आप 24 लिखना है। ओके,
सो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने ये देखिए यहाँ पे ए ट्वेल्व एज इट इज आपको लिखना है प्लस 14 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो कैलसी पे 14 अपॉन 1 फैक्टोरियल कैसे पुट करोगे, फैक्टोरियल कैसे लाओगे? सो फैक्टोरियल के लिए आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स का बटन है मोड बटन के नीचे, अगर शिफ्ट और एक्स इनवर्स प्रेस किया, एक्स इनवर्स का बटन है मोड बटन के नीचे, तो आपको फैक्टोरियल मिलेगा। सो 14 अपॉन 1 फैक्टोरियल होगा 14, सो आपको यहाँ पे पहले 14 लिखना है और बाद में x, प्लस 30 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 30 अपॉन 2 फैक्टोरियल अगर आपने कैलसी पे किया तो वो आएगा 15 और एक्स स्क्वेयर एज इट इज, प्लस 32 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा 32 अपॉन 3 फैक्टोरियल का, सो 32 अपॉन सॉरी ये 42 होगा स्टूडेंट, सो यहाँ पे आपको 42 लिखना है, सो 42 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 7 और एक्स क्यूब एज इट इज, प्लस 24 अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो 24 अपॉन 4 फैक्टोरियल अगर आपने किया तो आंसर आएगा 1, मगर हम 1 नहीं लिखते कोई पिशन, डायरेक्टली हम लिखेंगे x रेस टू 4, 24 अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा 1, सो हम 1 नहीं लिखते x रेस टू 4 के पहले, सो सिर्फ आपको x रेस टू 4 लिखना है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।